तो जी मैं आ गया हूँ साँच पास पे, या साँच पास कहते हैं इसको। इसकी हाइट है 4500 मीटर, काफ़ी हाइट पे है। जब हम पीछे चंबा से निकलते हैं तो चंबा से 130 किलोमीटर का सफ़र है। रास्ते में एक चौकी आती है, तीसा जगह का नाम है। तीसा पे आपको अपने जो प्रूफ हैं वो दिखाने पड़ते हैं, उसके बाद आप आगे बढ़ जाते हैं। तीसा के बाद का जो रोड है काफ़ी डेडलिस्ट है, काफ़ी दुर्गम है, क्योंकि रास्ते काफ़ी ख़राब हैं। और वैसे बाइक आ सकता है, एडवेंचर के लिए बहुत प्यारी जगह है। मेरे पीछे जो है वो ज्योति माता का मंदिर है। जैसे कि हम देखते हैं तिब्बत में भी या लद्दाख में भी पास बने होते हैं, पासों के ऊपर फ्लैग्स लगे होते हैं, ऐसे मंदिर होते हैं। जब हम किसी भी पास को क्रॉस करते हैं तो सारे लोग आते हैं, वहाँ रुकते हैं, सजदा करते हैं पास को कि थैंक यू हमें क्रॉस करवाने के लिए। बस चलती है सुबह 6 बजे, और इसका किराया जो पर पर्सन किराया लगता है, इसका शेयरिंग वाली गाड़ी है, 1000 किराया पर पर्सन। अच्छा, शुरू कब से हो जाती है पास, कब से चलना शुरू हो जाती है? जुलाई से स्टार्ट होती है। चलो ठीक है जी, शुक्रिया आपका बहुत बहुत। नाम बता दीजिए। मेरा नाम रमन ठाकुर है। रमन ठाकुर है, ये टैक्सी चलाते हैं, बहुत दिलेर हैं ये, क्योंकि इन डेडलिस्ट रोड पे चलना काफ़ी ख़तरनाक है, तो ये चला रहे हैं इन रोड्स पे गाड़ी को। तो मेरे साथ है मेरी दोस्त नेहा, पहली बार आ रही है, सफ़र कर रही है। तो नेहा आप बताओ, आप क्या फील कर रहे हो, क्या लग रहा है आपको? मैंने ग्लेशियर पहली बार देखे अपनी लाइफ में, एंड आई एम फीलिंग थ्रिल, एंड बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, जन्नत का द्वार है ये। और वेटिंग फॉर एक्साइटिंग, और वेटिंग फॉर न्यू थ्रिल्स। यहाँ पर जितने भी लोग आते हैं, किलाड़ जाते हैं, पांगी वैली जाते हैं, चंबा से ये पास क्रॉस करना पड़ता है उनको। एक बात और बता दूं कि ये जो पास है वो बहुत कम खुलता है, मई या जून जुलाई में ही खुला होता है। जो पांगी वैली वाले हैं उनको जो सफ़र है वो किश्तवाड़ से होकर करना पड़ता है। अब यहाँ पे देख रहे हैं काफ़ी ठंडी हवा चल रही है, और व्यू बड़े अच्छे हैं यहाँ पर। आप लोग जब भी आएँ, आपने एडवेंचर करना हो तो इस पास पर आकर आप लोग ज़रूर जाएं, तो काफ़ी मज़ेदार माहौल है यहाँ पर।